ईच अदर के नाम से हमने स्टार्ट की थी, उसकी 9th एपिसोड तक हम पहुंच चुके हैं। हर एपिसोड में हमारे साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है। आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है मैम अनीरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसाइटफुल मेंटोर की तरफ से मैम थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड हाउ आर यू मैम? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो, एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बाकी जितने लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सच एन वंडरफुल 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 प्लेटफॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, हाउ आर यू राज? वेलकम मैम। जो मैम से डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं पहले मैम का इंट्रोडक्शन देती चलूं। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक्स। इसके अलावा मैम मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर की सीईओ और डायरेक्टर भी हैं। मैम स्कूल काउंसलर होने के साथ साथ यूथ फोरम ऑफ पाकिस्तान की इवेंट मैनेजर भी हैं, और शी ऑर्गेनाइज न्यूमरस मेंटल हेल्थ कैंप्स इन अंडर प्रिविलेज एरियाज ऑफ कराची। इसके अलावा मैम ने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बहुत से सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं किए हैं। अब हम मैम से बात करते हैं। मैम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? क्या हम ये ऑडियो पे करेंगे या हम वीडियो भी कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ अगर सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा और मुझे ये लगेगा कि मैं अपने मोबाइल से बात नहीं कर रही, मैं लोगों से बात कर रही। ओके मैम, हर पार्टी या इफ पॉसिबल, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ अपने फोन से बात कर रही हूं। ओके सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो ऑन करें। राइट right? Yes ma'am, I'm Rahat Tupan. Okay, I think. Okay. तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि how did you start your journey? Journey बहुत पहले start कर दी थी जब मैं university थी। अभी तो यूँ समझे कि बुढ़ापा आ गया है। जब मैं हम यंग हुआ करते थे यूनिवर्सिटी की उम्र में, लाइक 2014-15 की बात है, तभी से हमने स्टार्ट कर दिया था ऐसे लोगों की हेल्प करना जो कि इस तरह से थे कि पढ़ाई में पीछे हैं या फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर कुछ और क्राइसिस हैं। तो हमने वहीं से यूनिवर्सिटी से ही हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था ऐसे लोगों की। लेटर ऑन जब एमफिल कंप्लीट किया तो सोचा कि यार थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहिए, अब सिर्फ उस केज में नहीं करना चाहिए, थोड़ा फील्ड में जाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। देन वी टेक इनिशिएटिव एंड हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर के नाम से। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी कुलीग, बहुत अच्छी बहन समझें इस तरह से, वी आर लाइक सिस्टर्स, हम दोनों लाइक अत्मा जमशेद की बात कर रही हूँ। एंड वी स्टार्टेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन और पिछले एक साल से हम अब अपने प्लेटफॉर्म से खुद भी कर रहे हैं और उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नए आने वालों को जिन्हें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स को मजीद इनहांस और प्रैक्टिस करने का। माशाल्लाह मैम। मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू प्रोसीड वर्क एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू कंटिन्यू? ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए अल्लाह ने हम सब इंसानों को इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि फरिश्ते कम नहीं है ना, उस फरिश्ते हमसे ज्यादा अच्छी इबादत करते हैं, हम इतनी अच्छी इबादत नहीं करते जितने वो करते हैं, उसमें कमी नहीं थी इबादत की, मैं लोग के मुझे मेरी इबादत करो मुझे मानो। तो अगर इंसान को जो पैदा किया है ना वो किया है कि दूसरे की हेल्प, उनकी हेल्प करें और जो मुश्किल में है उनको उन मुश्किलात से निकालें ताकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह फंक्शनिंग कर सकें और अपनी लाइफ में मौजूद एडवर्सिटीज जितनी भी हैं उन्हें ओवरकम करते हुए कामयाबी की तरफ जाए। ह्यूमैनिटी इज अ कीपर। बेशक बेशक, डेफिनेटली मैम, हम जहाँ पर भी हों क्रिटिसिज्म तो हमें मिलता है, सोसाइटी से हो या गर्ल से हो, मतलब हम कोई भी काम करेंगे हमें क्रिटिसिज्म मिलेगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ यू बियर नेगेटिव कमेंट्स ऑफ पीपल?
जब मैं छोटी थी मेरे फादर ने मुझे एक चीज समझाई थी, वो ये था, ये हुआ ये था कि मेरे फादर के साथ कहीं जा रही थी और मैं गिर गई थी रास्ते में किसी पत्थर की वजह से, तो मैं रोने लगी थी, मुझे चोट लगी थी। मेरे फादर ने मुझे ये समझाया था कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आगे लाइफ में और भी चीजें आएंगी, तो रोना नहीं है, इन्हीं एडवर्सिटीज को अपने रास्ते में हर्डल नहीं समझना, इनको अपनी सीढ़ी बनाना और अपनी मंजिल की तरफ जाना। तो जितना भी क्रिटिसिज्म है ये सब चीजें, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि यस ये एक इतना प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो मैं उस पर जरूर सोचती भी हूँ, उस पर उसको कोशिश करती हूँ कि उसे अप्लाई कर लूँ अपनी लाइफ में, थोड़ी बहुत जो भी चेंजेस मैं कर सकती हूँ। अदर देन दैट, अगर कोई ऐसा है कि लैक पुलिंग टाइप है, तो वो मेरी मंजिल की तरफ एक और सीढ़ी बन जाता है, वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनता। बिल्कुल मैम, तो आपको कभी ऐसा लगा कि व्हाट आर योर फॉलिंग एंड राइजिंग पॉइंट्स इन योर कैरियर एंड इन योर लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन राइट। अगर आप सिर्फ अप 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 चलोगे तो भी बोर हो जाओगे, हारने का फिर पता नहीं चलेगा कि जब हम हारते हैं तो दोबारा खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, और जब आप सिर्फ डाउन हिल चलते रहेंगे तो आपको जीत का पता नहीं चलेगा कि यार जीत का क्या मजा होता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। तो इसी तरह मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत सी चीजें आई जिसपे इन्वायरमेंटल भी है, जिसपे पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, तो देर आर मेनी थिंग्स। लाइक मुझे अभी, अगर मैं अभी ये कहूँ कि अभी, तो अभी वो स्टेट है कि जिससे थोड़ा बहुत अब राइज हो रहा है, बाकी चीजें जो मैं चाह रही हूँ वो मैं अचीव कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा जो मैं फॉलिंग पॉइंट समझती हूँ वो ये है कि जब मेरी पार्टनर ने ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मुझे ये कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती मेंटल हेल्थ एजुकेशन सेंटर फिलहाल, तो उस वक्त मैं खुद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इन चीजों के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत हर्टिंग था और बहुत मुश्किल वक्त था। यूं समझो कि वो जो 3-4 महीने थे वो बहुत मुश्किल थे, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन इस सब में मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमें पता है कि तुम अकेले भी कर सकती हो, देन डोंट वरी, जस्ट गो फॉर दैट, तुम बस लगे रहो, कोशिश करती रहो, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू ऑल योर योर है कि वो बहुत मेजर फॉलिंग पॉइंट है। अदर देन दैट ऐसा कुछ था नहीं। ओके मैम, ग्रेट। अच्छा मैम, आप यूथ फोरम ऑफ पाकिस्तान की इवेंट मैनेजर भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हमारी जो यूथ है उनको इस टाइम किन क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ वी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ अवर यूथ? यार हमारी यूथ ना बहुत बहुत पुरजोश है, बहुत पैशनेट है, अगर इन्हें एक सही डायरेक्शन बता दी जाए और कुछ अच्छे और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिए जाए तो बहुत स्किलफुल है, बहुत ज्यादा, और बहुत क्रिएटिव भी है हमारी यूथ। लाइक जितना टैलेंट हमारी यूथ के अंदर है, खैर हम खुद को तो यूथ के अंदर कंसिडर नहीं करते क्योंकि अब हम थोड़े उम्र से निकल गए, बाकी आप लोग हैं अभी पीछे और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट जो नए आने वाले बच्चे हैं उन्हें चांसेस देने चाहिए अपनी एक्सपर्टीज एंड स्किल्स को प्रैक्टिस करने के। राइट, ऐसा नहीं कि अपनी ही चीजें उन पे डाल दी जाए कि नहीं भाई आप अपना ब्रेन यूज ना करें, डू दिस डू दैट, लाइक मैं जो चाह रही हूँ वो करो, ऐसा ना हो, वो जो चाहते हैं वैसा हो। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें पहले दिन ही आपको JDs पकड़ा दिए जाते हैं कि भाई आपने ये करना है, इससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑफर करती हैं ये वाली चीज। तो यूथ के लिए कुछ प्लेटफॉर्म इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजी हूँ तो मैं
हेल्थ रिलेटेड ज्यादा बात करूँ तो नहीं मिल पा रहा, प्रॉब्लम से गुजर रही है, सफर कर रहे हैं ये लोग, तो एक कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो यूथ के लिए होने चाहिए और अथेंटिक इंफॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, तो इस हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कूल काउंसलर या फिर एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट होना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के मसलों को हल करे, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हैं, चाहे पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हैं, चाहे स्टडी से रिलेटेड हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, एक्स वाई जी, इन सब चीज़ों से एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि एक ना एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल और हर कॉलेज के अंदर। सेकेंड थिंग इज दिस के जो लोग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल कर लेते हैं उनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंसेंटिव होना चाहिए या कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। यहाँ पर मैं एक, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं वो शेयर जरूर करूँगी, हमारे यूथ को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम कोई अमेरिका या फिर इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर नहीं रह रहे हैं जिसमें हम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करते ही हम ये सोचेंगे यार मुझे 60-70 हज़ार की एक जॉब मिल जाएगी। तो यूथ को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखनी चाहिए जितनी जिस मुल्क में है उसके लिहाज से। अगर आपको 10-15 हज़ार की भी एक जॉब मिल रही है, डू दैट, क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा कि आपको छोटी छोटी चीजों के थ्रू ही मिलेगा, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज अवेल करें। हम क्या करते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हैं। उसमें ये कि कुछ दिन पहले मुझे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्टेक्ट किया कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, दे नोट के लाइक हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने पूछा सैलरी, तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त 30,000 ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ जो करीब में रहते थे मैंने उन्हें कहा कि यार कॉन्टेक्ट कर लें आप ये सब, तो सबने मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के सैलरी कम है। हालांकि वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और रिहैब था एक और वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। हम यूथ को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए क्रिएटिवली कि हम 10-12 हज़ार देख के इंटर्नशिप कर लेते हैं, 30 हज़ार की जॉब और साथ में एक्सपीरियंस ये हम नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा ना अपने वो जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है उससे निकल के सोचना चाहिए। एटलीट एंड गो विद द फ्लो, ऐसा नहीं कि हम इंतजार में बैठे रहे यार कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर, क्योंकि जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, आप कहाँ से देंगे 7 साल का एक्सपीरियंस। तो रुके नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा जिंदगी में मोड़ आता है कि आपने सोचा भी नहीं होता कि यार ओके फाइन ठीक है, वो भी छोटी छोटी चीजें मिलके आपको एक बहुत बड़ा सारी एक चीज मिल जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज हम ये नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटीज है नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस और मयार इतने ज्यादा हैं कि हम क्या कहते हैं कि यार नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं, ये तो हम इतने सिलेक्टिव और इतने चूजी हैं। तो मैं सिंपल इसको ये कहूंगी कि यार जस्ट गो विद द फ्लो, जो मिलता है जस्ट गेट इट एंड एक्सपीरियंस इट, तो उससे आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी होगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में तो उस लिहाज से जो पहले भी मैं आपके करती हूँ। एक ये जो आपने बताया है कि हम बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जो छोटी अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारे यूथ में जल्दबाजी है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा जल्दबाज हैं। और दूसरा ये पॉइंट जो आपने कहा है ना कि हमें हर स्कूल और कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए जो कि काउंसलिंग कर सके, डेफिनेटली ये जो है ये काम इसको होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने जब ग्रेजुएशन से पहले अपनी सेकेंड ईयर में
तो मैंने सोचा था कि मैं MBBS में जाऊंगी ना, तो मुझे एक आंटी कहती है कि यार आपने क्या करना है. मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं तो MBBS करूंगी. तो शी सेड दैट कि अगर ना हुआ तो मैंने उनको रिप्लाई कि नहीं, अगर ना हुआ तो फिर क्या करोगी. मैंने उनको वहां पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि अगर ना हुआ तो फिर मैंने वहां पर उसको स्टॉप कर दिया. मैंने कहा नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी. मैंने फिर भी अपने आप को कैरी ऑन किया कि यार मैंने MBBS करनी है. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की, वहां पे भी नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट की, फिर उधर भी नहीं हुआ. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो आंटी ने बात बोली थी कि यार अगर ना हुआ तो क्या करोगी, तो मैंने उस टाइम सोचना स्टार्ट किया, जो कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट पे जाके रियलाइज हुआ. तो अगर काउंसलिंग हमें स्टार्ट में मिल जाए ना, स्कूल में काउंसलिंग हमें मिल जाए या कॉलेज में मिल जाए, तो फिर हमें लेटर ऑन खुद मतलब करने इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें ऑलरेडी किसी ने किया होता है, काउंसलिंग हमारी हुई भी होती है, तो हम अपना गोल जो है वो इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं. और इसी को मैं आगे क्वेश्चन करूंगी आपसे कि आपके लिहाज से जो है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट अचीविंग अ गोल, What are the consequences of नॉट अचीविंग अ गोल. not achieving a goal? इसमें जो सबसे पहली हर्डल होती है ना, वो आपकी अपनी अनकंसिस्टेंट नेचर होती है. क्योंकि हर्डल्स तो हर जगह है. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हर्डल्स नहीं है? तो इसके लिए सबसे सबसे ज्यादा जो चीज आती है ना, वो ये होती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है. आपने जो डिसीजन ले लिया, आप उसके साथ फर्म नहीं है. आपको डाउट है कहीं ना कहीं, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर लिया. और इस इन सारे वसवसों में जो अहम रोल प्ले करता है, वो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो बड़े अच्छे दूसरों के काउंसलर बने हुए होते हैं. तो ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ. किसी और की बातों पे बिलीव करके, उसके एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करके अपने लिए डिसीजंस मत ले. हम क्या करते हैं, जो सेल्फ डाउट है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इन सारी चीजों के अंदर. जैसे अगर जब मैंने शुरू शुरू में साइकोलॉजी ली थी, इनफैक्ट हम सभी कहीं ना कहीं ये चीज सुनते हैं, यार क्यों ली है साइकोलॉजी, तुम इतना इतना तुम टैलेंटेड हो और तुम क्या पागलों की डॉक्टर बनोगी. इन इन सारी बातों ने कभी मुझे डिसार्ड नहीं किया. ऑल्दो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, शी लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा कि तुम पागलों की डॉक्टर बनोगी, एंड शी लेफ्ट. और आज उसने रैंडमली ही किसी सब्जेक्ट में BS किया है. और मैंने मास्टर्स किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर डिफरेंट कोर्सेज किए, फिर MPhil किया. नाउ अब एक और इनिशिएटिव लिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सक्सेसफुली मैं क्योंकि मैं सेटिस्फाइड. देखो, अपना सेटिस्फेक्शन जरूरी है, रादर देन हम दूसरों को सेटिस्फाइड करते चले जाए. तो जो हर्डल्स हैं इसके बीच, सबसे पहले सेल्फ डाउट है, अनकंसिस्टेंट नेचर है, और अपने ऊपर यकीन का कम होना है. अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट है, अपने ऊपर है कि नहीं यार मैंने कर लेना है, ये मैं कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तुम बोलते रहो जो भी बोल रहे हो, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं करेगा, तो आप कर लेते हो. ना इधर देखो ना उधर देखो, फोकस ऑन योर टारगेट. रास्ते पे कभी भी अपनी नजर मत रखें, या रास्ते को मत देखें कभी भी. हमेशा अपनी नजर अपनी मंजिल पे रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो आगे से बंद मिलेगा आपको, फिर आपको रास्ता बदलना पड़ेगा. तो रास्ता बंद देख के हम अब मंजिल को वहीं से बाय बाय नहीं करके आ सकते, क्योंकि हमने उसी के लिए, वहां जाने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफें सही है. जस्ट चेंज द वे, ये अप्रोच काम नहीं है, दैट्स प्रिटी ऑल राइट. हम दीवार के साथ लड़ नहीं सकते अब, जस्ट चेंज योर वे, कोई और आसान रास्ता ढूंढ लो. लेकिन जहन में ये रखो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और पहुंच के दिखाएं फिर, क्योंकि आप जब इतनी दूर आ सकते हैं तो यार थोड़ा सा दूर और है, इतनी दूर नहीं जा सकते. ऑफ कोर्स यू कैन. तो बी कंसिस्टेंट. अगर इन हर्डल्स को हटाना है तो बी कंसिस्टेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ. आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इम्प्रूव होनी, बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड फोकस ऑन योर गोल, नोट रास्ता, प्लीज फोकस ऑन योर गोल. तो आप जरूर पहुंचेंगे वहां तक इंशाल्लाह एक दिन. वेल सेड मैम.
मैम आप एक मल्टीटास्किंग साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सीईओ भी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफरेंट टास्क आप दिन में परफॉर्म करती हैं, तो आपको कभी वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट का सामना करना पड़ा? सॉरी, आपकी आवाज सही डिस्टॉर्टेड है। आप ठीक है मैम? या इट्स प्रीटी फाइन नाउ। ओके मैम, मैं ये कह रही थी कि आप ना एक सीईओ भी हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मल्टीटास्किंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं आप, तो कभी आपको वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट का सामना करना पड़ा? अलॉट तो कैसे आपने मैनेज किया, ओवरकम कैसे किया उसको? इतना कि मेरी फैमिली मुझे, एक दिन मेरी मदर ने मुझे यूं ही कहा, मजाक में कहा, सीरियस तो नहीं कहा, ऑफ कोर्स शी अंडरस्टैंड दीज थिंग, और ने मुझे कहा कि तुम रात में आती हो सिर्फ घर में सोने, तुम ऐसा किया करो हफ्ते में एक दिन आया करो, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए आया करो। यहाँ तक उन्होंने मुझे कहा, तो उस दिन आई फेल्ट दैट कि नहीं यार, आई हैव टू, मुझे देना है टाइम। तो नाउ अब मैंने उसको काफी टाइम से मैनेज भी करना शुरू कर दिया है, तो अब थोड़ी शिकायतें कम हुई हैं। अभी भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कम है, पहले के मुकाबले में कम है। और वो इस तरह से है कि मेरा शुरू से एक उसूल रहा है कि जब मैं अपने ऑफिस से निकलती हूँ ना, तो मैं ऑफिस की सारी चीजें ऑफिस में रख के आती हूँ, मैं वो टेंशन वो स्ट्रेसेस साथ लेके नहीं आती। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मैं घर की सारी चीजें घर रख के जाती हूँ, मैं साथ लेके नहीं जाती। तो ये जो बाउंड्री सेट हुई है, इससे काफी चीजें सेट हुई है, काफी चीजें, और ऑफ कोर्स काफी सारी शिकायतें भी कम हुई है। बिल्कुल मैम, लेकिन मैम अक्सर लोग होते हैं ना जो बाहर की टेंशन जो है वो आके घर निकालते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ओके मैम, तो मैं आपसे ये कह रही थी ना कि अक्सर लोग होते हैं जो कि जो ऑफिस की टेंशन होती है या बाहर की कोई भी टेंशन हो, वो आपके घर ही निकालते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे मैनेज करना चाहिए अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को? सबसे पहले तो एक क्लियर बाउंड्री सेट करो, राइट, कि बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है ऑफिस के अंदर, इतना सब कुछ हो गया है, जैसे एक लम्हे के लिए बैठ के सोचें, अगर मैं ये फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालूं तो क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं होगी? क्योंकि तो ये उनकी क्रिएट की हुई तो नहीं है, गलती मुझसे हुई, बॉस ने मुझे डांटा, तो मेरी खुद की है ना। तो रादर देन इस चीज पे फोकस करें कि हम वो उसको लेस थ्रेटनिंग करके किसी पे निकाल दें और किसी और का मूड खराब करें, इट्स बेटर कि हम थोड़ी देर बाहर बैठे ऑफिस में बैठ के सोच लें इस चीज के बारे में कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं कहाँ हूँ, मुझे उसको सही करना है। और अगर आप गलत नहीं है फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो इस पर सोचना बनता ही नहीं है। फिर तो हो सकता है बॉस की अपनी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी। घर वालों पे ऑफिस की आके निकालना, ये सरासर नाइंसाफी है फैमिली के साथ, ये नहीं होना। तो इट्स बेटर कि आप बाहर ही बैठ के मूड लाइटर कर लो, जरा लॉजिकली जरा क्रिटिकली सोचें उस चीज के बारे में, एंड देन आप घर आ जाए और एक अच्छे मूड में आए, क्योंकि घर वालों का उस चीज में कोई कसूर नहीं था, ना ही है। बिल्कुल मैम, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डेली आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं?
चूंकि मैं एक रिहैब सेंटर में काम करती हूँ और उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं उसके स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर पर्सनालिटी, एडिक्शन, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजरता। अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो क्लिनिक में लोग पर्सनालिटी, ओसीडी एंड डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा था, मोस्टली पर्सनालिटी होता है। सही मैम, डिप्रेशन की अगर बात करें ना, तो डिप्रेशन को लोगों ने मतलब मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। अगर किसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी है जो कि मौसम की वजह से होता है, तो लोग कहेंगे यार हमें डिप्रेशन हो गया। अब मुझे एक अंकल कहते हैं कि क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मैं अंकल साइकोलॉजी कर रही हूँ, वेल डन बेटा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन क्या है उनको खुद ही नहीं पता होता, वो कहते हैं कि डिप्रेशन है। अब एक बंदा थोड़ा सा डिप्रेस है, थोड़ी सी टेंशन में, वो बोलेगा यार मैं तो डिप्रेशन के स्टेज से गुजर रहा हूँ। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों लोग ले रहे हैं, या फिर इसको हम कैसे डील कर सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली जब नई नई कोई चीज़ होती है ना, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ गलती हम साइकोलॉजिस्ट की भी है। हम जब बात करते हैं हम पूरी बात नहीं करते, और बहुत सी गलती पब्लिक की भी है, क्योंकि हम बहुत इम्पल्सिव लोग, हम पूरी बात नहीं सुनते, या फिर जो सुनते हैं एटलीस्ट उसको क्रॉस चेक नहीं करते कि अगर मैं कह रही हूँ डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन कब कह सकते हैं इस बात को, और डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फर्क है, हम इस चीज पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और फिर अभी चूंकि नई नई अवेयरनेस चल रही है ना, लोगों तक पहुंच रही है ये चीज, तो इन चीजों को क्लैरिफाई होने में और इन सब चीजों को समझने में लोगों को भी वक्त लगेगा, और उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है इन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी होंगी। अगर हम अपनी भी बात करें, अगर हम जब होते हैं स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, लेट सपोज के जैसे हम DSM पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस वक्त हमें लग रहा होता है DSM के अंदर जितनी भी चीजें, तो हम यहाँ पर थे कि हम साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा एफर्ट को करनी होंगी ये चीजें क्लैरिफाई करने में, क्योंकि इनिशियली जब हम खुद ही नया नया DSM पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि DSM के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो हम पे फिट बैठती हैं। हम डिप्रेशन में भी हैं, हम एंजाइटी में भी हैं, हम पर्सनालिटी में भी हैं, हम साइकोसिस में भी हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें क्लैरिफाई होना शुरू होती हैं, जैसे ही हम उसकी डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो हमें समझ आती है कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज डिसऑर्डर एंड व्हाट इज नॉर्मल थिंग। तो ये चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो हम सभी अपने अपने एंड पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। मैम अब तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इंसाइटफुल मेंटोर की है, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे सेशन कंडक्ट करती है और यूथ को जो है वो बता रही होती है कि यार मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या है। मैम अगर मैं यूथ की बात करूँ, तो हमारी जो यूथ है वो कहती है कि यार हमें एंजाइटी हो गई है, तो हर पॉइंट पे वो यही बता रहे थे कि एंजाइटी है जी। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे उनको GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, टेंशन, और इवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं जब वो इस स्टेट में होते हैं, या कोई भी इंसिडेंट आया तो उस टाइम पे उनकी ये सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसको कैसे डील करें हमारी यूथ? एंजाइटी फॉर स्टूडेंट्स, एंजाइटी ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट? अगर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है और आप इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे या सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में भी एंजाइटी हो रही होती है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगेन इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि क्या ये सिर्फ सिचुएशनल है या फिर ये किसी ना किसी इलनेस की तरफ जा रहा है। ये हमें पता चलता है इंटेंसिटी से कि अगर सब कुछ करने के बाद भी चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, तो फिर हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो ऐसे में अगर चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, कोई भी काम
ठीक से नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए आई थिंक। तो उस पर क्या होता है कि जब आपको प्रोफेशनल नेम हकीमों से बेहतर है आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें। जब आप प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं तो आपको अवेयरनेस आती है अपने प्रॉब्लम की, तो वो चीज़ जो एंजाइटी से शिफ्ट होके एक नया डिसऑर्डर डेवलप कर जाती है, इट्स बेटर कि हम उसे पहले ही स्टेज पर रोक लें और एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें। वो हमें गाइडेंस जब मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, तो हम उसे वहीं रोक सकते हैं, इनफेक्ट खत्म कर सकते हैं अपनी उस एंजाइटी को। तो हमें प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ। लेकिन मैम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों के साथ डिस्कस करने में, जो है ना बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकोलॉजिस्ट के साथ या किसी भी नॉर्मल किसी भी अपने बंदे के साथ भी, वो अपना जो होता है उनके रिलेटिव जो होते हैं उनके साथ भी शेयर करने में उनको हेजिटेशन फील होती है, तो इस चीज को वो कैसे ओवरकम करें? यहाँ ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वो अपनी फैमिली से होते हैं, ठीक है, वो बाहर किसी से नहीं है, या एक आध फ्रेंड तो जरूर सोशलाइज नहीं करेंगे, बहुत लिमिटेड से लोग होते हैं उनकी लाइफ के अंदर जिनके साथ वो ओपन अप होते हैं। तो जो यहाँ जो प्राइमरी रोल है वो फैमिली का है, अगर वो देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर इस तरह के इश्यूज हैं, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, या फिर जब मुश्किल सिचुएशन आती है वो कांपने लग जाता है या बीमार हो जाता है, उसका स्टमक अपसेट हो जाता है, ये सारी चीजें, तो ऐसे में उन्हें एटलीस्ट कुछ ना करें, फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे एटलीस्ट एक जनरल फिजिशियन को जरूर दिखा लें। तो आजकल जनरल फिजिशियन भी उन्हें भी अंदाजा होता है चीजों का कि ये साइकोलॉजिकल है या फिर मेडिकल है, तो वो फिर फर्दर हेल्प के लिए या फर्दर आपको कहाँ विजिट करना है इन सारी चीज़ों के लिए वो रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप किसके पास जाएं या किससे कंसल्ट करें। तो फैमिली इस ऐसी सिचुएशन में प्राइमरी रोल प्ले करती है, कहीं ना लेके जाएं एटलीस्ट जनरल फिजिशियन के पास ले जाएं। बिल्कुल मैम, फैमिली जो है वही उसका सबसे मेन रोल होता है, किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट है या एडोलिसेंस की डेवलपमेंट है तो उसमें फैमिली का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा मैम, हमें ना बहुत ज़्यादा फियर होता है, कुछ लोगों में होता है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि सारे जो फियर्स होते हैं हमारे उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, या कुछ फियर्स का हमारी लाइफ में होना इम्पोर्टेंट है हमारी डिवेलपमेंट के लिए? पहले तो ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर डर रखा किस वजह से, फिर उसकी इंटेंसिटी पे बात कर लेते हैं, और फिर कौन सा फियर हमारे लिए हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। देखो अल्लाह ने फियर इसलिए रखा है कि आप दूसरे को जब नुकसान पहुंचा रहे हो तो ये सोचोगे मेरे साथ भी हो सकता है। फेयर क्या है? फेयर यही तो है ना कि एक अननोन सी चीज है, सोच सोच के डर लग रहा है, राइट? एक स्टेबलेस मौजूद नहीं है। फेयर और एंजाइटी में यही तो फर्क है ना। एंजाइटी का ये है कि यार एक चीज है कि फ्यूचर में होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं, राइट? तो वो सोच सोच के हमें डर लग रहा है। फेयर इज समथिंग लाइक कि एक चीज है एग्जिस्ट करती है, राइट? तो अल्लाह ने फेयर इंसान के अंदर इसलिए रखा है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने से डरो, क्यों? कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर ये फेयर ना होता हमारे अंदर तो हम बिल्डिंग से छलांग, मरने का फेयर नहीं होता तो बिल्डिंग से छलांग लगा देते। हमारे अंदर मरने का फेयर है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें ना करें जिससे हमें नुकसान पहुंचे, राइट? तो अल्लाह ने फेयर इसलिए रखा है कि दूसरे के लिए खैर मांगो ताकि तुम्हारे लिए भी खैर हो, दूसरे के लिए गलत करोगे तो मेरा अजाब आएगा। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है फेयर के पीछे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, क्योंकि डिटेल में गए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो फिलहाल इसका सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने फेयर इंसान के अंदर क्यों रखा है। फिर आ जाता है कौन सा फेयर हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। अगेन इसमें आएगा इंटेंसिटी, आपके फेयर की इंटेंसिटी क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि फेयर हेल्दी है या अनहेल्दी। ऑफकोर्स जितना फेयर बढ़ता चला जाएगा उतना ही वो आपके लिए अनहेल्दी होता चला जाएगा,
और कोई भी चीज अनहेल्दी उस वक्त होती है जब आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जब आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी स्टडीज पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कोलैप्स करना शुरू कर जाती है, फिर उस फेयर वो ऐसा फेयर हमारे लिए अनहेल्दी है। और फेयर जो अगर इनिशियल लेवल पे फेयर हो रहा है, जैसे मुझे ये डर है कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मैं नहीं दे सकती, एंजाइटी, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी, राइट। फेयर ये है कि मेरी इंसल्ट होगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, राइट, पीछे फेयर ये है। तो अगर मैं इस चीज को ही समझ लूं कि ठीक है, अगर गलती किससे नहीं होती, हम सब इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं है, गलती किससे नहीं होती, तो अगर मुझसे भी गलती होगी तो देन व्हाट, कौन सी इतनी बड़ी बात है इसमें। अगर मुझसे गलती हो रही है तो ये चीज, ये बात जाहिर कर रही है कि भाई मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, राइट। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे जब हम, तो ये फेयर, एंजाइटीज, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो कट इन शॉर्ट, अगर एक ऐसी चीज, एक ऐसा फेयर जो आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब करता जा रहा है, तो ऑफकोर्स दैट्स अनहेल्दी फॉर यू। और अगर वो इतना नॉर्मल सा है, इतना मसला नहीं हो रहा, आप उसको डील कर रहे हो अच्छे से, और उस फेयर की वजह से, जैसे अगर अम्मी की डांट का डर ना हो, लड़कियां घर का काम नहीं करती, नहीं करती, तो अम्मी की डांट जो का जो डर है वो हेल्दी है, घर का काम हो जाता है। टीचर की डांट का डर ना हो, हम होमवर्क नहीं करते टाइम से, राइट। तो ये एक हेल्दी और अनहेल्दी में एक छोटा सा, अगर टीचर की डांट का इतना डर हो रहा है कि मुझे स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं, मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मेरा दिमाग माउफ हो गया है, तो फिर ये अनहेल्दी है, फिर इस पे सोचने की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अपने सेशन के एंड की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैम, हमारी जो यूथ है उसमें अक्सर जो है वो अटेंशन की कमी है, स्पेन ऑफ अटेंशन उनका बहुत ज्यादा कम है, डिफरेंट एक्टिविटीज भी वो परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका जो अटेंशन का स्पेन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो इस प्रॉब्लम को वो कैसे डील करें? प्रेजेंट फोकस होके अभी जो कर रहे हैं, इस वक्त जो कर रहे हैं, उस पे फोकस करके, माइंडफुल रह के, सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, बी माइंडफुल। तो माइंडफुल हम कैसे रहते हैं? जब हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि यार अभी क्या हो रहा है, अपनी जितनी भी सेंसेस हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं, अभी मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ क्या बात हो रही है, मेरे आस पास कौन है, जो बोल रहा है वो कौन है, क्या बात कर रहा है, अगर मैं ये बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो मेरे लिए इसमें क्या अहम चीज है जो मुझे याद रखनी है। That's it. प्रॉब्लम ये है तो हम यहाँ पे, लाइक बहुत से लोग हैं इस वक्त भी जो सुन रहे हैं ये वाली चीज, जो अटेंड कर रहे हैं, आई डोंट नो दिल से कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने बाउंड किया उन्हें ये चीज यहाँ पे इसको अटेंड करने पे, तो अगर वो मौजूद है यहाँ पे, सुन रहे हैं, तो बहुत सी बातें उनको याद होंगी। अगर जहन में ये है कि अच्छा ठीक है, ऑन कर दिया है, साथ साथ में कोई असाइनमेंट भी बन रहा है या फिर कोई और चीज भी हो रही है, तो फिर इट मीन्स कि अटेंशन दो से तीन जगह की डाइवर्ट हो गई, क्वालिटी अटेंशन नहीं दी। तो जब ये चीज हम तीन से चार चीजों में उलझे हुए होंगे तो कैसे चलेगा, फिर फोकस नहीं बनेगा ना। फोकस तो बनता ही इस पे कि भाई प्रेजेंट पे फोकस, अभी जो हो रहा है इस पे, एनवायरनमेंट में जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं या तो उन्हें रिमूव कर दें या फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट मत हो, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन प्रेजेंट, तो आप खुद भी फील करेंगे कि कितना चीजें बेहतर, फोकस बेहतर होगा। अगर जहन के अंदर आ रही है मुख्तलिफ चीजें, देन डिलेट कि यार अभी इस चीज के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी जो कर रहे हैं इस पे फोकस करते हैं। शुरू शुरू में होता है, जब हम प्रेजेंट फोकस अपने क्लाइंट्स को भी करवाते हैं कि नहीं आपने माइंडफुल रहना है, प्रेजेंट फोकस होना है, उसकी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, तो जिसमें बेसिक टेक्निक मैं जो सिखाती हूँ वो थॉट डिले की सिखाती हूँ, जो इस अभी वाली चीज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर अभी मुझे यहाँ पे ये आपकी क्वेश्चन सुनने हैं, उनका रिस्पॉन्स बैक करना है, तो मेरे एनवायरमेंट में जो चीजें हैं मैं उन पर फोकस नहीं करूंगी, मुझे आप
उसकी ही बात का जवाब देना, और अगर वो हो भी रही है तो मैं डिले करूंगी यार, अभी नहीं बाद में, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इस तरह की ये टेक्निक अगर हम सभी यूटिलाइज कर लें तो आई थिंक हम ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे, हम अपना फोकस भी मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, हम माइंडफुलनेस होके काम नहीं करते और फिर एंड पे कहते हैं कि यार हमारी अटेंशन ही इस काम पे नहीं आ रही, तो हम कैसे परफॉर्म करें। तो मैम आप सेशन का एंड करते हैं, तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ऑडियंस सुन रही है? बहुत प्रिसाइजली बताऊंगी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट, और अगर कहीं नजर रखनी है अपने गोल पे रखें, अपनी मंजिल पे रखें, रास्ते पे फोकस मत करें, क्योंकि रास्ते में तूफान भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, बहुत सारा मुश्किलात भी आएंगी, भूख प्यास भी आएगी, क्राइसिस भी आएंगे, सब चीजें आएंगी। अचीवमेंट ये है कि उन सबको ओवरकम करते हुए अपने उस गोल तक पहुंचे, और जितने भी इन्वायरमेंट में चीजें आ रही हैं उनको हरा के वहां तक पहुंचे। तो उसके लिए जरूरी है ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, बी कंसिस्टेंट एंड गो फॉर योर गोल। तो वो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं इन्हीं उसूलों पे चलते हुए मैं पहुंची हूँ आज। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही बात है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बाय गिविंग द मैसेज टू ऑल ऑफ यू, एंड द मैसेज इज यू विल कंटिन्यू टू सफर इफ यू हैव एन इमोशनल रिएक्शन टू एवरीथिंग दैट इज सेड टू यू। ट्रू पावर इज बेसिकली सिटिंग बैक एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। द ट्रू पावर इज बेसिकली रिस्ट्रेंथ। इफ वर्ड्स कैन कंट्रोल यू दैट मीन्स एवरीवन एल्स कैन कंट्रोल यू। सो ब्रीथ एंड अलाउ द थिंग्स टू पास। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमें टाइम दिया सेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर यू इनवाइट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछने के लिए। थैंक यू सो मच हिरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इनसाइटफुल मेंटर एंड राहत, थैंक यू सो मच फॉर यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो सुन रहे हैं। और इस पूरे घंटे का फायदा तब होगा जब हम इसमें जितनी भी बातें हुई हैं उन्हें यूटिलाइज भी करेंगे। और अगर आप सब में से किसी को भी किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प की नीड हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं हमेशा हमेशा अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। और मैं होती हूँ, हीरा नोज, कभी कभी होता है कि मैं नहीं होती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर मैं अवेलेबल हूँ। तो आप सब लोग प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक को एंटरटेन कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आवर प्लेयर के आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा जो है ना न्यूरो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड मेरा कोई भी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करूँगी। कभी ज़रूरत ना हो, बट इफ हो, मेरे लाइक और खिदमत हो, तो प्लीज़ डू दैट। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।